नमस्कार प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतरा बुक का पहला पाठ, ईदगाह। हिंदी में आपकी दो पुस्तक लगेंगी, एक अंतरा और एक अंतराल, ठीक है। तो ईदगाह पाठ जो है, इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में आज बताऊंगी। पहले हम जान लेते हैं लेखक प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। क्या था उनका मूल नाम? धनपत राय श्रीवास्तव, और नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी उनको जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी, यानी आने वाली पीढ़ी में पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए यानी आगामी जो पीढ़ी आने वाला जो न्यू जनरेशन है उसके लिए उन्होंने साहित्य की एक नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी यानी विद्वान और संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है, यानी उनके योगदान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। आइए जान लेते हैं थोड़ा इनके शिक्षा के बारे में। मुंशी प्रेमचंद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होश रुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरर से उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। 1818 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और सन 1990 में उन्होंने अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर वो नियुक्त हुए। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ये तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1909 से ही हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1914 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्ष की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग दिखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की, यानी यथार्थ में जो समाज में चल रहा होता है उसका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। तैतीस वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित।
प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। अपने जीवन में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 14 उपन्यास, 300 से अधिक कुछ कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण प्रस्तुत किए। प्रेमचंद के मुख्य उपन्यास हैं प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास था अपूर्ण असरारे महाविद उर्फ देवस्थान रहस्य, उर्दू साप्ताहिक आवाज़े सल्खल्प में। ये उर्दू भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। एक धारावाहिक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। फिर उसका रूपांतरण प्रेमा नाम से हुआ, ठीक है। तो प्रेमचंद जी ने यानी अनेक उपन्यास लिखे, अनेक कहानियां लिखी, अनेक विधाओं में उन्होंने काम किया। जिसमें तीन अभी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन नाम से, जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन वो आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता रहा है। इस तरह प्रेमचंद साहित्यकार प्रेमचंद जी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए और अपने यथार्थवाद, समाज के यथार्थवाद को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हुए करते रहे और एक उपन्यास सम्राट के तौर पर प्रसिद्ध हुए। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। यह स्वाभाविक भी है। सामान्य पाठक प्रायः लेखक की कृतियों को पढ़ता है, नाम की सूक्ष्मता को नहीं देखा करता। आज प्रेमचंद का मुंशी अलंकरण इतना रूढ़ हो गया कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद का बोध हो जाता है तथा मुंशी न कहने से प्रेमचंद का नाम अधूरा अधूरा सा लगता है। प्रेमचंद ने अपनी कला के शिखर पर पहुंचने के लिए अनेक प्रयोग किए। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही विचार और प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था। लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कलजयी उपन्यास की रचना की जो कि एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। उन्होंने चीजों को खुद गढ़ा और खुद आकार दिया। जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने कथा साहित्य द्वारा हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को जो अभिव्यक्ति दी उसने सियासी सरगर्मी को, जोश को और आंदोलन को और बढ़ा दिया। तो बच्चों ये था जीवन परिचय प्रेमचंद जी का। इसी के साथ मैं आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। आप प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट कीजिए।